कोई नहीं भैया, आप बस, अरे भैया आप रख ली, नहीं अरे रख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक कुछ पी लेना, ठीक है। रह गया होगा, तो भैया इंतजार कर रहे थे, थैंक यू भैया। हम सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख लगी हुई है काफी, अरे पानी लेकर आए हैं, और ये देखो पानी क्या सुविधा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, एंड आप सभी अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। एंड जैसे कि आपने पहले ब्लॉग में देखा ही होगा कि हमने कुरुक्षेत्र को एक्सप्लोर किया, और आज हम लोग निकल रहे हैं मंडी की तरफ। और आप कैसे हैं, इधर उधर क्या जानते हो, हैं पहली बार आया तो उसका थोड़ा रिएक्शन ऐसा ही है कि फ्री में इतना अच्छा रूम कैसे मिल सकता है। तो आप देखिए, सारा कुछ विदाउट मनी था, बिना पैसों के था, और हट जा भाई आगे सेट ये सब बिना पैसे के था गाइस। एंड एसी वगैरह सारा कुछ लगी हुई थी, तो मस्त तरीके से हम लोग यहाँ पर सोए। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं मंडी की तरफ, क्योंकि हम लोग मंडी एक दो दिन रुकेंगे, उसके बाद वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे, और जो जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। तो प्लीज़ आपका काम है वीडियो को देखना, वॉच करना और सपोर्ट करना, एंड शेयर करना। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मतलब सब्सक्राइब कर दो भाई, पूरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करते नहीं, पता नहीं क्या सोचते हैं यार, कर दिया करो। सही कह रहा तू, ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम लोग इस धर्मशाला से निकल चुके हैं, और यही है वो सैनी समाज धर्मशाला, यहाँ पर हम लोग रात को रुके थे, और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर रहना सहना हुआ, बाकी आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए अभी आ चुके हैं रोड पर, एंड लिफ्ट मांगने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पुराना बस स्टैंड, और सबसे पहले जो लिफ्ट दी थी भैया ने दी है, थैंक यू भैया जी लिफ्ट देने के लिए। क्या नाम भैया आपका? भैया मोनू राणा नाम है मेरा। तो मोनू जी ने लिफ्ट दी थी और काफ़ी अच्छा लगा, अभी ऑटो बैठ कर आए थे हम लोग, थैंक यू भैया। तो चलिए आगे चलते हैं, बने रहिएगा। तो गाइस फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है, अभी हमको दी है भैया ने, ट्रक वाले भैया ने, और वो हमने देख ही नहीं पाए थे कि इन्होंने कब ट्रक रोक दिया, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ ट्रक रुका है। तो हमने पूछा जाकर कि आपने हमारे लिए रोका है किसके लिए, तो हमने हमारे लिए रोका था लिफ्ट देने के लिए। तो थैंक यू भैया लिफ्ट देने के लिए। ओके, क्या नाम भैया आपका? एजाज अहमद भट्ट। इनका नाम है एजाज अहमद। तो ये जा रहे हैं अमृतसर, और हमको जाना है मंडी, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, कुल्लू और मनाली की तरफ जो मंडी पड़ता है उधर जाना है। तो जहाँ तक भी भैया का साथ है वहाँ तक हम साथ में जाएंगे। एंड हमने अभी कुरुक्षेत्र को कर दिया टाटा बाय बाय, और ये है भैया का ट्रक। ट्रक वालों का एक चीज तो है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल होता है कि मतलब खाना पीना सारा कुछ इसी में। आप देखिए सिलेंडर वगैरह सारा बिस्तर सोने वोने का, इधर देखिए सारे बर्तन वगैरह सारा कुछ यही रखा हुआ है। तो इनकी पूरी लाइफ जो है वो ट्रक में व्यतीत होती है। तो थैंक यू भैया का लिफ्ट देने के लिए, एंड बने रहिएगा ब्लॉग में, चलते हैं आपको दिखाते रहेंगे नज़ारे और मिलाते रहेंगे लोगों को। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हमको आना था, एंड भैया जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं भैया? मैं जा रहा हूँ अमृतसर। ये जाएंगे अमृतसर, तो ये डेरा बस्ती होते हुए जाएंगे, और हम लोगों को जाना सीधा हाईवे से। तो थैंक यू भैया के, और कम से कम भैया ने 100-150 किलोमीटर का हो गया होगा, 80-90 किलोमीटर का लिफ्ट दिया, वो पहली लिफ्ट थी। तो थैंक यू भैया जी का, एंड पूरा फुल एंजॉय करते हुए आए हम लोग आराम से सोते हुए, तो थैंक यू भैया। और ये वैसे कश्मीर के हैं, कश्मीरी भाई हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, एंड कश्मीर जब भी जाएंगे तब भी मिलेंगे इनसे, एंड और भी लोगों से जान पहचान करा दी उन्होंने। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, एंड अभी उतरते हैं यहाँ से, बाय बाय। तो गाइस अभी क्या है कि हमारा जो लिफ्ट बोर्ड है वो ट्रक में ही रह गया, और अभी मैंने कॉल करी है तो वो आगे रुके हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, एंड उनसे लिफ्ट बोर्ड लेते हैं भाई, क्योंकि उसके बिना तो हमारा काम ही अधूरा है, लिफ्ट ही नहीं मिल पाएगी तो कैसे काम चलेगा। तो ट्रक यहीं ही रुका होगा, ये अच्छा होगा, मैंने उनका नंबर ले लिया उनके मालिक का, तो मालिक पे कॉल करके जब उन्होंने उनको कॉल करी है तब वो ट्रक आगे रुका है। तो चलो देखते हैं कहाँ पर है। फाइनली ट्रक मिल चुका है, और यही वो ट्रक है जिसमें हम लोग बैठ कर आए थे, लिफ्ट बोर्ड रह गया अपना, एंड भैया से देखते हैं। हेलो भैया, लिफ्ट बोर्ड रह गया होगा? तो भैया इंतजार कर रहे थे, थैंक यू भैया, हम लोग भूल गए। चलो मेहरबानी, धन्यवाद सर। गाड़ी रुकी है, और अभी भैया से पूछते हैं, भैया जी कहाँ जा रहे हैं? हेलो भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? भैया मैं मंडी जा रहा हूँ। हाँ, आप जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे? कहाँ तक जा रहे हैं वैसे आप? मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट लाइट। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? चंडीगढ़। चंडीगढ़, तो आप हमें कहाँ उतारेंगे फिर? चंडीगढ़ में।
चंडीगढ़ से आपको ऑटो मिल जाएगा, लिफ्ट मिल जाएगी। अच्छा चंडीगढ़ है। तो गाइस फाइनली भैया जी ने हमको बैठा दिया एंड लिफ्ट दे ही दी आखिरकार। तो भैया जी जा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट और हम लोगों को आगे जरकपुर पड़ता है, वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो भैया थैंक यू आपका लिफ्ट देने के लिए। और मैं आपको बता दूंगा हम लोग ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट मनी, बिना पैसों के, एक रुपया भी नहीं हमारे पास और हम ऐसे घूम रहे हैं। तो अभी लद्दाख जा रहे हैं हम लोग एंड भैया का लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। और चलिए चलते हैं। अब मैं दूसरी बार आया हूँ चंडीगढ़, पहले भी आ चुका हूँ मैं, तो बने रहेगा ब्लॉग में। अली भैया ने हमको ड्रॉप कर दिया एंड थैंक यू भैया। ये लो भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, लो पकड़ो कोल्ड ड्रिंक। अरे की तरफ से कोई नहीं भैया, आप बस अरे भैया आप रख ली नहीं, अरे रख लीजिए कोल्ड ड्रिंक कुछ पी लेना, ठीक है। चलो थैंक यू भैया एंड बहुत ही अच्छा लगा भैया से मिलके, थैंक यू भैया। एंड भैया का टूर एंड ट्रैवल का काम है, बाकी मनाली ले कहीं का भी टूर करना हो तो नंबर वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तब भी अगर जब भी आपको टूर वगैरह कुछ करना हो तो एक बार कॉन्टेक्ट कीजिएगा, थैंक यू भैया। तो गाइस अंकल जी ने हमको खरड़ एयरपोर्ट पॉइंट पर उतार दिया, यहाँ से अभी थोड़ी दूर एक टी पॉइंट आएगा, वहाँ से हम मनाली के लिए निकलेंगे। एंड थैंक यू अंकल जी इतना लिफ्ट देने के लिए, थैंक यू भैया का आपका भी। ओके चलिए फिर मिलते हैं अंकल जी। ओके थैंक यू भाई। समय फिर दोबारा से एक और बार ट्रक में लिफ्ट मिली है और भैया जा रहा है कीरतपुर, वहीं से है मनाली के लिए रास्ता। तो थैंक यू भैया जी लिफ्ट देने के लिए। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज जी तो वैसे आप कहाँ से भैया? आप हिमाचल। हिमाचल उन्ना। हिमाचल कहाँ से? उन्ना। उन्ना। अच्छा उन्ना, तो ये हिमाचल से है, तो चलिए इनके साथ सफर करते हैं, मजे लेते हैं। एंड आपको कैसा लग रहा है फ्री में ट्रैवल करके? भाई हवा ले ली, खिड़की खोल ले, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं सोलकियाँ गुरुद्वारा है और काफी बड़ा गुरुद्वारा है, तो सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख लगी हुई है काफी तेज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंगर करने एंड काफ़ी बड़ा लंगर हॉल भी है जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लंगर कर रहे हैं। ये देखो अर्पित जी आ रहे हैं एंड ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, अंदर जाकर अभी मैं आपको दिखाऊंगा लंगर। तो चलिए चलते हैं, बने रहे ब्लॉग। आप देख ही रहे हैं काफ़ी लोग बैठे हुए हैं लंगर के लिए एंड अपने हमारी भी थाली लग चुकी है ये अर्पित की है। तो चलिए अभी लंगर खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। आज अभी आए हैं हम गुरुद्वारा में, यहाँ पर रूपनगर में, तो यहाँ करेंगे अभी लंगर। और भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद अब 1:30-2 बज रहे हैं और आगे भी चलेंगे मंडी के लिए। तो ये देखो आगे आए हमारे पानी लेकर आए हैं और ये देखो पानी क्या सुविधा है भैया, ये देखो क्लिच दबाई पानी नीचे। तो गाइस फाइनली लंगर खा लिया और काफ़ी स्वादिष्ट लंगर था, मज़ा आ गया एकदम, पेट वेट भर गया। और देखिए अभी दाल आ रही है इसमें और काफ़ी अच्छे तरीके से लंगर बनाते हैं सरदार जी। अगर गुरुद्वारे ना हो हमारे देश में तो काफ़ी लोग भूखे मरें, लेकिन काफ़ी अच्छा था यहाँ पर और एकदम पेट हो गया फुल। अब आगे निकलते हैं तो बने रहेगा ब्लॉग। तो गाइस फाइनली भैया जी ने हमको ड्रॉप कर दिया, कम से कम मैं बता रहा हूँ 100 किलोमीटर की लिफ्ट हो गई होगी, 100-125 किलोमीटर इन्होंने छोड़ा है। एंड अब यहाँ से 2 कट हैं, ये भैया जाएंगे इधर और हमको जाना मनाली वाला जो बोर्ड लग रहा है आप देख रहे हैं, जो मनाली लिख रहा है यहीं जाएंगे हम लोग। मंडी तो भी पड़ेगी यहाँ से और पहुँचते हैं मंडी। थैंक यू भैया जी, 4 घंटे बने रहेगा ब्लॉग। तो गाइस फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है एंड काफ़ी देर में लिफ्ट मिली है यहाँ पर और भैया ने लिफ्ट दिया है, थैंक यू भैया लिफ्ट देने के लिए। आपका नाम बता दो। नीरज भाई। नीरज नाम है इनका और ये मंडी जा रहे हैं जहाँ पर हमें जाना है, तो वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। एंड इधर भाई बैठे हैं, आपका क्या नाम भैया? अभिषेक भाई। इनका नाम अभिषेक है। तो भैया थैंक यू दोनों को लिफ्ट देने के लिए, वेलकम वेलकम भैया। और चलते हैं एंड इनके साथ जर्नी करेंगे, बने रहेगा ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली फाइनली और फाइनली मैं आ चुका हूँ मंडी में, पहुंचने वाला हूँ एंड हिमाचल में। एंड देखिए हिमाचल के पहाड़, वाह सुकून चाहिए था वो यहीं पर आके मिलेगा आप। और काफी अच्छा मतलब जर्नी रही है एंड अभी हम लोग इस गाड़ी में आए हुए हैं और भैया ने हमको काफी दूर से किरतपुर से जहाँ से हम रुके थे वहीं से लिफ्ट स्टार्ट हुई है। और भाई कैसा मजा आ रहा? नहीं यार वो वीडियो तो बहुत अच्छा, अभी चाय वाय के लिए रोका हुआ है। तो चलो मिलते हैं और अभी भैया से मिलाता हूँ, उनसे दोनों से, काफ़ी मज़ेदार भाई हैं दोनों। और अभी हम लोग यहाँ ढाबे पे रुके हुए हैं, ये हैं भाई जिन्होंने दिया लिफ्ट और गाड़ी मचाई तबाही, गाने सुन सुन के मज़े ले रहे हैं एकदम। चलो ब्रो ब्रो तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली फाइनली हाँ
खाना लग चुका है और ये देखिए थाली, स्पेशल थाली भैया ने लगवाई है। एंड थैंक यू भैया जी पहले तो आपका दोनों का, ठीक है, कभी खुशी कभी गम ये तो चलते रहेंगे लेकिन ना जुदा होंगे हम। और ये देखो थाली एंड ये लग गए, अलग ही लग रहे हैं ये तो। ये है दाल है और ये कढ़ी है ना, ये कढ़ी एंड पनीर एंड सलाद एंड रोटी। तो चलिए, और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। एंड दोबारा से भैया का थैंक यू खाना खिलाने के लिए एंड लिफ्ट देने के लिए। बने रहिए ब्लॉग में और पहुंचते हैं मंडी। तो गाइस आखिरकार हम लोग मंडी पहुंच चुके हैं और बड़ी ही मतलब लिफ्ट ले लेकर हम लोग यहां तक आ पाए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है एंड आप वो देखिए शाम को और जिनके पास हमको आना था। एंड यार भैया मत जाओ प्लीज़ और गाइस जिनके पास हमें आना था ये है उनकी शॉप। ये नंदलाल जी हमारे जिन्होंने हमको लगातार कंटिन्यू कॉल पे कॉल कर रहे थे कि जब भी आप आओ आप मंडी तो मेरे यहाँ जरूर आना, आपको रहकर जाना है। तो अभी हम लोग उनके आए हुए हैं और देखते हैं एंड दोनों भाइयों को बाकी में थैंक यू यार बरना से लिफ्ट दिया है। यो लो मजा आ गया भैया तुम्हारी, क्या बोलते लास्ट में, क्या बोलते लाइक शेयर बोल देना, लाइक शेयर लाइक शेयर एंड कमेंट ब्रो एंड सब्सक्राइब, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू भैया का दोबारा से। और काफी अच्छा लगा भैया के साथ, मतलब फोटो सफर पता नहीं चला यार बाकी में। कितने किलोमीटर की जर्नी होगी हमारे आपके साथ? हमारी होगी भाई 100 किलोमीटर की जर्नी, पूरा 100 किलोमीटर हो गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा एंड पता नहीं चला, रास्ते में खाना वाना भी खिलाया। तो सबके लिए थैंक यू और जितना बोले उतना कम थैंक यू, ठीक है, बने रहिएगा अभी ब्लॉग में। और गाइस हमने नंदलाल जी की पूरी दुकान बंद करा दी है क्योंकि 7 बजे की केवल एक बस है जो कि इनके गांव के लिए आती है और गांव इनका यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर है। अभी हम लोग बस से आएंगे, फिर कुछ पैदल का रास्ता तो उससे आएंगे। अभी देखिए पूरा दुकान बंद कर दिया है एंड छोटी सी दुकानों में काफ़ी सारा सामान है। और इधर है सामने बस स्टैंड जहाँ पर हम लोग जाएंगे बस लेंगे। तो चलिए बने रहे। तो गाइस हमारी एक बस तो छूट गई जो कि 7 बजे की थी और दुकान बंद करते करते इतनी जल्दी दुकान बंद करी, लेकिन फिर भी हम आखिरकार लेट हो ही गए। और कोई नहीं, अब हम वही फार्मूला अपनाएंगे जो हम अपनाते आ रहे हैं, लिफ्ट वाला। तो चलिए लिफ्ट मांगेंगे। एंड ये देखिए व्यू कितना बढ़िया है। और चलो चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में एंड पहुँचते हैं इनके घर पर। थैंक यू महाराज आज के लिए स्टे कराने के लिए। तो गाइस फाइनली बड़ी ही दिक्कत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें मतलब वो कहते ना, अगर किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर अगर जुनून है तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका जो गांव है मंडी से वो 12-13 किलोमीटर ऊंचाई पर है पहाड़ी पर, और जो गाँव के लिए बस आती है वो एक ही बस आती है शाम को 7 बजे जो कि वो छूट चुकी थी और हमने मतलब पकड़ने की भी कोशिश करी लेकिन हम नहीं पकड़ पाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो लिफ्ट वाला सिलसिला है वो भी अपनाया, तो कहीं तक आधे रास्ते तक लिफ्ट मिली। और पहाड़ों पर क्या कि पूरा अंधेरा हो चुका है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से लिफ्ट ले लेकर एक एक करके बाइकों से और फाइनली हम इनके घर पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो नंदलाल जी का थैंक यू एंड बहुत ही भोले वाले महात्मा है, मतलब सच्ची में बहुत ही ज़्यादा भोले वाले महात्मा है। एंड हमको अलीगढ़ में इनसे मुलाकात हुई थी तो आज हम इनके घर पर आए, इन्होंने बोला कि जब भी आप इधर आओ तो घूमने जरूर आना। जैसे हमारा सीधे निकल रहे थे और मतलब हम मनाली जा रहे थे, मतलब जैसे सीधे आप मतलब सच में नहीं बताता, मतलब अचानक से जब याद आया ना कि नंदलाल जी मंडी रहते हैं, फिर तब मैंने विशाल को बोला कॉल करो, एक बार कॉल करके पूछो, क्योंकि बोला था उन्होंने कभी अगर उन्होंने हमें बताया था तो बोला कभी उधर आओ तो घर पर जरूर आना। तो अब तो गाइस आज हम इन्हीं के घर रुकेंगे एंड कल हम पूरा जो भी गाँव है उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड मंडी को जो भी चीज़ें हैं घूमने के लिए वो भी देखेंगे और कल इनका घर भी दिखाएंगे क्योंकि घर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो सुबह दिखाएंगे जो भी होगा। तो अभी चाय वगैरह आइए, चाय वगैरह पी के और आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। खाना वाना खाकर आप भी सोइए और हम भी सो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना एंड मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबाकर। टाटा बाय बाय।